आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इसी बीच सहारनपुर पहुंचे पीएम मोदी ने पहली चुनावी रैली की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही पहले चरण के वोटर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के वोटर को क्षमा याचना करता हूं, अब दूसरे चरण के चुनाव अभियान का आगाज कर रहा हूं, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनाहगार को अब इन माफिया वादियों से इन चुनाव में अपना साथी बना लिया था। वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए एसपी के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल की टीम एक्टिव हो गई है और इसी कड़ी में साइबर क्राइम सेल की टीम ने सफलता हासिल की है। साइबर सेल के सराहनीय कार्य करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों के से कुल 1,57,049 रुपए उनके खातों में वापस कराए। इसी के साथ ऑनलाइन ठगों पर एक्शन लिया जा रहा है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि शातिरों पर ठगों पर आगे की कार्रवाई भी जारी है। वहीं पीड़ितों ने पैसा वापस खाते में मिलने पर खुशी जाहिर की है। 90,918,865 रुपये का फ्रॉड हुआ था, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा साइबर सेल में की गई थी। साइबर सेल के अधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया, जिसके प्रयास से मेरे 90,900 रुपये वापस आ गए हैं। मैं साइबर सेल के अधिकारियों को धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के साथ किसानों की आफत आ गई है। कहा जा रहा है कि गोवर्धन रजवाई की पटरी टूटने से किसानों के कई बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। गेहूं और सरसों की खड़ी फसल चौपट हो गई है। किसान वोट डालने की तैयारी में लगे थे, लेकिन फसलों को चौपट देख अपने खेत की तरफ दौड़े और समाज से पानी रोकने की दुहाई लगाई। सभी किसान एकत्रित होकर मुखराई की अंगीर कैनाल पर गोवर्धन रहवाज में प्रवाहित पानी को रोकने के प्रयास में जुट गए। इस मामले पर सिंचाई विभाग के एसडीओ को घटना की जानकारी दी गई तो संबंधित अधिकारी ने मजदूर भेजकर कार्य चालू करवा दिया, लेकिन काम का कोई फायदा नहीं मिला। कई बीघा जमीन को काफी नुकसान हुआ। सिंचाई विभाग एसडीओ नवीन शर्मा ने स्थानीय किसानों और मजदूरों की मदद से रजवा में प्रवाहित पानी को रुकवाया। स्थानीय किसानों की मदद से जेसीबी बुलाई गई, जिसमें पानी का प्रवाह रोका जा सके। समस्या ये है कि हमारा खेत है गोवर्धन ब्राह्मणान में, और ये अपर खंड आगरा कैनाल साथी अभियंता से हमारा निवेदन है। हम सभी किसान आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने कई बार बरसों से हम मांग करते कर चले आ रहे हैं कि हमारे खेत के पास जो रजवा की पटरी है, गोवर्धन रजवा की, उसको पक्का किया जाए, लेकिन आज तक हम किसानों की मांग उनके द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। जबकि सरकार दावा करती है कि हमारी योगी सरकार किसान हितैषी है। कारण ही सरकार की लापरवाही है, तो ओवर पानी चल रहा सब रो ओवर तो ही ज्यादा पुलिया तो ऊपर है, थोड़ा सा रिसाव बन गो, रिसाव में पूरा बम्मा टूट गो, इतने पानी आ रहा, इतने पानी आ रहा है हजारों। आपने आपने किसी को बताया प्रशासन को? प्रशासन को बताया हमने, प्रशासन की कोई सुनवाई ना आ रही है। तो कुछ कह रहे होंगे वो आपसे? कह रहे आश्वासन दे रहे, आश्वासन से काम थोड़ी चल रहा है। यहाँ तो सब नुकसान है, को खावे को गेहूं ना बच रहे। कितने बीघे खेत? कम से कम 100-200 बीघे भर गए। कॉलोनी में मकान तक पानी पहुंच गया, रोड तक पानी लग गया रोड से। सर ये सब पक्की होनी चाहिए, यहाँ हर बेर बम्बा टूटे, हर बेर किसान मरे, बहुत तगड़ा नुकसान भयो। क्या बम्बा टूट गया आपका? हाँ। तो कितना नुकसान समझ रहे हैं? नुकसान समझ रहे हो? कुछ नुकसान है, कोई नेका जमीन गई हमारी। और क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कह रहे हैं साहब, आप पक्का होना चाहिए, जब बम होना चाहिए। तो आज वोट डालने नहीं जाएंगे आप? ना, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक बम्बा का कुछ नहीं होगा। बम्बे देखे भाई, जाने देखेंगे हम, वोटर देखे ने साल भर की रोजी देखो हम कुछ ने सभी अधिकारियों तो मैं ने आपने प्रशासन को सूचित किया है यार? कोई ना सुनाई आ रही हुई तो वही मैं
मैनपुरी के भोगाव थाना क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित भवन का उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने फीता काट कर शुभारंभ किया। बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे में महाप्रबंधक प्रमोद कुमार स्पेशल ट्रेन के भोगाव रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले नवनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक व इंटरलॉकिंग भवन का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। इसके बाद नवनिर्मित भवन का फीता काट कर साथ ही निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन अधीक्षक अतीक अहमद व उप स्टेशन अधीक्षक रूपेंद्र सिंह की तरफ से स्टेशन पर सफाई की और रखरखाव कार्यों की सराहना की। मुख्यतः निरीक्षण इस कार्य का है कि हमारे जो सारे फील्ड के कर्मचारी हैं और हमारे जो अधिकारी हैं फील्ड में, उनका कार्य किस तरह का है, वो अपना जो कार्य करना चाहिए वो ठीक से कर रहे हैं। मेनली ये सेफ्टी से रिलेटेड है कि जो हमारे एसेट्स हैं उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशंस प्रॉपरली हो, ताकि हमारा जो यातायात है वो ठीक से चल पाए, संरक्षा से चले। नई बिल्डिंग नहीं, बेसिकली यहाँ पर जो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थी उसको हटाकर यही किया गया है, जो कि ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, ज़्यादा सुदृढ़ है, उससे रिलायबिलिटी अच्छी रहती है और सेफ्टी अच्छी रहती है, तो उसके लिए ये चेंज किया गया था। चेंज ऑलरेडी हो गया है, वर्किंग में है। देवरिया में पथरदेवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल के दौरान सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर तिवारी के सैकड़ों समर्थक कचहरी गेट पर उमड़े पड़े। प्रशासन ने कार्यकर्ताओं की भीड़ को काबू कर लिया और भीड़ को शांत कराया। इस दौरान प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वही रुद्रपुर बसपा प्रत्याशी सुरेश तिवारी ने भी नामांकन पर्चा भरा। कार्यकर्ताओं के हुजूम से प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सलेमपुर से बसपा प्रत्याशी राजेश भारती ने बताया कि सलेमपुर विधानसभा में जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। हमने दो सीटों में नामांकन किया है, सलेमपुर 341 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं से हमने नामांकन किया। क्या मुद्दे रहेंगे सर चुनाव के लिए इस बार आपकी? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा स्वास्थ्य, रोजगार और जो मुख्य गांव तक सड़कें विशिष्ट जातियों तक नहीं पहुंचाई गई हैं, वहां तक सड़कें पहुंचाना। अगर आपको जनता चुनती है तो क्या विकास करेंगे अपने क्षेत्र में? विकास पहले तो ये करेंगे कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं जिस पर कुठाराघात किया जा रहा है और लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इसको ये कहा जाए कि प्रजातंत्र की पीठ पर सवार होकर के फासिज्म, फांसीवाद आ रहा है, उसको हटाना और ख़त्म करना हम लोगों की प्रमुख जिम्मेदारी है। देखिए, समाजवादी पार्टी से मैं 338 विधानसभा पथरदेवा से मैं भरा हूँ, 3 सीट होता है, विकास का, लोगों के सम्मान के, हिफाजत का, बेरोजगारों को, महंगाई पर काबू करने का और लोगों को सुविधा देने का। गाँव के लिए तो हम लोग भाई भी है कि हम लोग बेरोजगारों को रोजी रोटी देंगे, स्थायी रूप से रोजगार देंगे। 10-20 लाख नौजवानों को रोजी रोटी देने का है, संकल्प पत्र में है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो लड़कियों को 12 पास करने के बाद 36,000 रुपया उसके खाते में भेजा जाएगा आगे की पढ़ाई के, और उसको लैपटॉप भी दिया जाएगा ताकि वो सुविधा दे। चंदौली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्याशी ने नामांकन किया। चारों विधानसभा के लिए अलग अलग बनाए गए नामांकन कक्ष में एक आवेदक के साथ एक प्रस्तावक समेत 3 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन कक्ष में जाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रही। नामांकन की वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में सारी सरकारी कामकाज ठप रहे। जनपद चंदौली में उत्तर प्रदेश सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 7वें चरण में मतदान होना है, जिसकी आज नामांकन प्रक्रिया 10 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। नामांकन जो हमारी चारों विधानसभा है उसकी जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहां पर न्यायालय कोर्टों में किया जा रहा है, सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा गया है। एक आवेदक के साथ कितने लोग बंदा जा सकते हैं? एक आवेदक के साथ एक प्रस्तावक और एक अन्य व्यक्ति, कुल मिलाकर 3 व्यक्ति ही आ जा सकते हैं। जो पार्किंग है जो भी लोग आएंगे उनके लिए बाहर की गई है और जो आयोग द्वारा निर्धारित संख्या है उसके अनुसार ही लोग।
वहीं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए उद्देश्य रायबरेली के चुनाव पर्यवेक्षक व सर्विलांस स्टैटिक की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। अमेठी रोड पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाकर जांच की गई। फिलहाल कोई अवैध सामग्री नहीं थी। इस मौके पर चौकी इंचार्ज परदेशपुर निखिलेश कुमार ने बताया कि ड्यूटी स्टैटिक टीम के साथ लगाई गई है। पूरी टीम के साथ अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया जाएगा। रायबरेली में बछरावा से पूर्व विधायक रामलाल अकेला और सलोन से पूर्व विधायक आशा किशोर समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। फूलमाला और भाजपा का स्कार्फ पहनाकर दोनों पूर्व विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद रामलाल अकेला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने 30 साल तक संघर्ष किया है, पार्टी को मथुरा में मजबूत किया, उसके बावजूद पार्टी ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। वहीं अलीगढ़ में चल रहे मतदान को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने एसएसपी कलानिधि नैथानी के तरफ से जनपद भर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा, ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ईवीएम को ठीक कराते हुए मतदान को सुचारू रूप से करा दिया गया है। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और किसी भी वोटर को धमकाने या दबाव बनाने की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। 17.91% वोटिंग हुआ है। सुबह थोड़ा वेदर का खराब था, इसीलिए थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज डाउन था, बट अभी पिकअप हो रहा है, काफ़ी लोग निकला हुआ है, पब्लिक भी बढ़ चढ़ के आके वोटिंग कर रही है। ईवीएम खराब निकली है, एक दो जगह पे निकली है, तो उसको तुरंत अटेंड कर लिए हैं। कहीं पर भी ऐसे नहीं कि 10 मिनट से ज़्यादा कहीं रुका है। 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होने हैं, इसको लेकर मिर्जापुर में आज से नामांकन शुरू हुआ। मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा से बसपा की प्रत्याशी पुष्पलता बिन ने पहला नामांकन दाखिल किया। कुल 25 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। अपने समर्थकों के साथ पहुंची पुष्पलता नामांकन दाखिल कर मीडिया से कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार है क्षेत्र का मुद्दा, इस पर काम करना चाहिए। बता दें कि 7वें चरण के लिए 7 मार्च को होने वाले मतदान के लिए 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन किया जाना है। मैं पुष्पलता बिन 397 मझुआ विधानसभा बसपा प्रत्याशी। मैं एक सहायक अध्यापिका थी, अपने पद से त्याग पत्र देकर अब बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप लोग के सामने खड़ी हूँ और मैं बस यही अनुरोध कर रही हूँ कि जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं जनता के लिए, मेरी, मैं शिक्षक थी, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करूंगी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सबसे मेरी पहली शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिस दिन जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं, मेरी प्रमुख प्राथमिकता यही होगी कि मैं उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, आज 10 फरवरी को नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई है और 10 तारीख से 17 तारीख तक नॉमिनेशन का है, जिसमें 17 तारीख को अंतिम तिथि है 3 बजे तक। और इस क्रम में आपको बताना चाहूँ कि आज टोटल 25 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं और एक नामांकन जो है मछुआ विधानसभा में दाखिल किया गया। बांदा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। इस टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर कहा गया है कि कार सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद डॉक्टर ने प्रयागराज के लिए घायलों को रेफर कर दिया। राजापुर से बबेरू आए थे। अच्छा, राजापुर के रहने वाले? हाँ, राजापुर रहने वाले हैं। बबेरू आए हैं, बबेरू से वापसी जा रहे थे। अच्छा, जाते समय एक्सीडेंट हुआ? हाँ, कहाँ पे? किस जगह पे? कमासिन पे, नहर के पास, बलोरो से जा रहे थे। बलोरो जा रहे थे, कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट क्रॉसिंग लेते समय और बगल में टाली खड़ी थी, ट्रैक्टर टाली थी। ट्रैक्टर टाली? हाँ, टाली में भिड़ गई। अब इनको लेके 3 की मौत हो गई जी, और एक यहीं भर्ती हैं, दो इलाहाबाद में। 6 लोग थे। 6 लोग, 3 की मौत है, 3 घायल। आज सुबह लगभग 3 बजे एक बारात जो चित्रकूट थाना राजापुर से आई थी, बबेरू से लौट रही थी, थाना कमासिन अंतर्गत एक ट्रैक्टर टाली में पीछे से टक्कर मार दिया
सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति की सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर में आज अखिलेश और जयंती जनसभा को संबोधित करने के लिए नुमाइश ग्राउंड पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के बाद दोनों ने बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में शक्ति चौराहे होते हुए डाकखाना से रोड शो निकाला। इस रोड शो में जहां हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, तो ही बिजनौर की सड़कों पर एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैदान और छतों में इतने कम समय में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम में लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबका आभारी हूँ। इतने कम समय में बिजनौर के सभी लोगों ने जो हमारे लिए इस कार्यक्रम में पहुंचकर ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है। वही चुनाव में जीतने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते हैं। नेता वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में संबल में बसपा प्रत्याशी रफतुल्ला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गांव हिसामपुर का बताया जा रहा है, जिसमें बसपा प्रत्याशी बाकायदा घोड़ा बग्गी पर बैठे हैं और उनके आगे डीजे पर समर्थक जमकर नाच गा रहे हैं। यही नहीं, जानकारी मिली कि बारात की शक्ल में जुलूस निकाला जा रहा है और इस वीडियो में बसपा प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबल के असमोली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने गांव में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क करने निकले हाजी मरगूब आलम ने लोगों से बैठकर बात की। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में असमोली की जनता एक ही विधायक को चुनती आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से विधायक बना तो अपनी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विकास करूंगा और क्षेत्र की जनता की समस्या का हल निकाला जाएगा। अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास की धारा लाने काम करूंगा। आप भी सुनिए हाजी मरकूब अली का बयान। जनता यही शिकायत कर रही है, बदलाव की जरूरत है और कांग्रेस की सरकार बनाने को जनता तैयार है। कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया है, व्यापारियों का साथ दिया है, बिजनेसमैन का साथ देती है और यही कहते हैं कि अब बदलाव चाहिए। कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं है जो सरकार चला सकती है। जनता को कांग्रेस पर विश्वास है और मैं एक नया कैंडिडेट हूँ, बदलाव भी चाहते हैं। आपको राजनीति में क्यों आना पड़ा? मुझे शौक़ है राजनीति का, आपसे थोड़ा ही है। सन 86 से मैं, जब मेरे दाढ़ी भी नहीं थी, जब से मुझे राजनीति का शौक है। जनता यही शिकायत कर रही है। मथुरा के गोवर्धन गांव जुलहेंदी के ग्रामीणों ने राधा कुंड चौकी प्रभारी पर एक तरफा वोट डालने का आरोप लगाया है। वोट डालने आई महिलाओं ने कहा कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और दरोगा ने उन्हें वोट नहीं डालने दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़ा किया है। कौन है? हाथी की वोट नहीं डरेगी, हाथी की वोट नहीं डरेगी। नल पे कौन है? हम जाति से ब्राह्मण है, हम जाति से वोट, जो वोट डाल रहे हैं, जो मतलब ये इनको भगाया गया है। देखो आजा, कौन लोग भगा रहे हैं? कौन लोग भगा रहे हैं? चौकी चार्ज रहा था कुंड के, और कितने स्टाफ भेजा है, जो डीएम साहब ने भेजा है, जो कप्तान साहब ने भेजा है, कि हमारी औरत शर्म नहीं रखनी है, कि हमारी बहन बेटी शर्म नहीं रखनी है। धक्का मार मार के उनको जो कह रहे सूत्र की लाल कर देंगे तुम्हारी, अगर वोट डालो तो नल पर डालो, पूरा संख्या बढ़ जाएगा। बदायूं के नगर पंचायत अलापुर में दातागंज विधायक राजीव गुप्ता का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। 117 विधानसभा दातागंज में राजीव गुप्ता ने नगर पंचायत अलापुर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। दातागंज विधायक ने जनता से वोटों के लिए खास अपील की और चुनाव में भारी मतों से बीजेपी को जिताने के लिए कहा। अयोध्या से बीकापुर से सपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी उम्मीदवार फिरोज खान गब्बर ने बीकापुर कस्बे में जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों सहित बार एसोसिएशन में पहुंचकर अधिवक्ताओं का भी समर्थन मांगा। भारी लाओ लश्कर के साथ बीकापुर पहुंचे फिरोज खान गब्बर ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही, पूर्ण रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रदेश में युवा बेरोजगार है, रोजगार मांगने पर उनको लाठियां मिलती है। मीडिया से रूबरू हुए खान गब्बर ने पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को जल्द निजात पाने की आशा व्यक्त करते हुए दावा किया है कि क्षेत्र की जनता उनसे भलीभांति परिचित है। वहीं अलीगढ़ में विधानसभा
2022 के चुनावों के मद्देनजर प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मतदान के दौरान थाना साशनी गेट इलाके के आगरा रोड स्थित एसके जैन पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर इलाके का निवासी सचिन नाम का युवक दूल्हे के लिबास में मतदान केंद्र पर पहुंचा था, जहां दूल्हा बने सचिन ने अपने हाथों में शादी की मेहंदी के साथ उंगली पर मतदान के इंक भी लगवाई। सचिन का कहना है कि आज उसकी बारात साशनी गेट से बन्ना देवी क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में जा रही है, लेकिन शादी के साथ साथ मतदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। वोट डालने आया हूं मैं, मेरा वोट महत्वपूर्ण है और सबको वोट डालना चाहिए। जब 10 मिनट का समय निकाल के वोट बहुत जरूरी है। मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले वोट मतदान करिए, उसके बाद कोई और काम करें। अभी आप बारात में जाएंगे, अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। 9 में 2 महीने पहले गायब युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गायब युवती के शव को बरामद किया है। घटना को लेकर कहा गया कि पीड़ित मां ने पुलिस पर 2 महीने तक कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। चौकी इंचार्ज और SHO पर मिली भगत का भी आरोप लगाया है और पूर्व मंत्री के बेटे को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली के दिव्यानंद आश्रम के पास का है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।